हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर का, जो हम प्रैक्टिस सेट आज 1.4 ये सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम बेसिकली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, अगर उस नंबर लाइन पर हमें एक ऑलरेडी एक वैल्यू दी है, अगर वो वैल्यू कौन से भी होने दो, अगर वो वैल्यू हमें दी है, ठीक है, और हमें उस डिस्टेंस से हमें और बाकी सब वैल्यू को हमें फाइंड करना है उसी डिस्टेंस से, हाँ ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें सीखने वाले हैं। और उसके बीच का अगर आपके पास कोई एक लाइन है, अगर उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया और उसको एक परपेंडिकुलर लिया, उसके बाद मैंने अगर यहाँ से अगर एक यूनिट लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उस यूनिट को मैं डिवाइडर से यहाँ पर एक चाप बनाऊँगा और उसको एक लाइन खींचूंगा, तो मुझे हर एक फिगर में मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा। और अगर आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर आपके पास दो साइड है तो हम तीसरी साइड को कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे जो तीसरा साइड है इसका वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 है उसको चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है, जो रूट थ्री है उसकी वैल्यू हमें प्लॉट करनी बोली है, किस पे, नंबर लाइन पे। और हमें ऑलरेडी इसके हिसाब से एक डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करने बोला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक तो लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच ली और हमें इस पे एक पॉइंट दिया है, वो पॉइंट हमें कौन सा दिया है, क्यू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट क्यू कितना है हमारा, रूट टू दिया है, ठीक है। और जो वैल्यू है रूट, जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये जीरो है और ये हमारा क्या है, वन है, ठीक है, ये वैल्यू है और ये हमारा क्या हो जाएगा, टू, ये हमारा थ्री, ये हमारा फोर, ठीक है, ये हमारा -1 -2, ठीक है, ये वैल्यू हमें बोली है। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये वाले लाइन को हमें एक यूनिट पे यहाँ पे एक यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है पहले, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से जितना डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया था यहां से यहां तक का, उतना ही डिस्टेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने जितना डिस्टेंस लिया था, सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू है, एक तो OQ है और दूसरा ये QR हो गया, ये हमारा QR पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। और ये हमने कैसे मेजर किया, आप क्या करेंगे, अगर आपके पास प्रोटेक्टर है तो आपको ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का मेजर लेना है, उसके बाद यहाँ से इसको आर्क मारना है, ठीक है, या ठीक ये हो गया, उसके बाद वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, फिर वही आर्क को आपको यहाँ नीचे लेके आना है, ठीक है। तो अगर आप वही पॉइंट को यहाँ नीचे लेके आएंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लगभग आएगा, ठीक है, ऐसे। तो अभी क्या करना है, ये वाले पॉइंट को भी एक परपेंडिकुलर खींचना है, ये हमने ये वाला पॉइंट खींच दिया परपेंडिकुलर। अभी हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन सी वैल्यू है, हमारे पास दो वैल्यू हो गई, ठीक है, पहली वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, एक तो ये वाली वैल्यू हो गई रूट टू, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला वन यूनिट का वन, तो हम क्या करेंगे, ये वाले इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है, ये हमारा रूट टू हो गया, ये हमारा वन हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल सकते हैं, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ओ आर का वैल्यू हमें निकालना है, ओ क्यू का कितना दिया है रूट टू का स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, ठीक है, तो ये रूट टू का कितना हो जाएगा, टू प्लस वन, और ओ आर कितना है हमारा, तो ओ आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
रूट थ्री, ठीक है आप समझ गया ना कैसे आएगा रूट थ्री, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रूट थ्री। तो रूट थ्री से हमने क्या किया एक आर्क मारा, ठीक है तो ये आर्क क्या हो जाएगा हमारा रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है ये तो हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ यही डायग्राम में आपको जो हमें अलग अलग वैल्यू प्लॉट करनी है तो उसके हिसाब से हम कौन कौन सी वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो रूट थ्री हो गया, अभी ये वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ यहाँ से वन यूनिट लेता हूँ, यहाँ पे एक मार्क देता हूँ, ठीक है तो यहाँ से अगर मैंने वन यूनिट लिया तो ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा मेरा, ठीक है और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ये दोनों लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये दोनों अगर लाइन को मैंने यहाँ से ज्वाइन किया ठीक है सपोज, तो ये अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकलेगा मेरे पास, ये वाला वैल्यू मैं क्या करता हूँ पी ले लेता हूँ, ठीक है तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ, ये मेरा क्या है दूसरा पॉइंट है तो मैं इसको क्या लेता हूँ पी क्यू आर, ठीक है इसको क्या लेता हूँ मैं एस ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा पी एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर, ठीक है तो ओ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास पी एस कितना है मेरे पास वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फोर, और ये मेरे पास हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फोर इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है उसी तरह आप किसका किसका निकाल सकते हैं। और ये वाला मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगर मैं आर्क दूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक परपेंडिकुलर खींच दूंगा, ठीक है ये आपको समझ गया। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा फिर इसको भी एक यूनिट का डिस्टेंस दूंगा ऊपर, तो वापस मैं इस लाइन को जोड़ूंगा तो ये मुझे रूट फोर मिला, तो ये वाला अगर लाइन जोड़ूंगा मैं सपोज तो ये मुझे कितना मिलेगा रूट फाइव, ठीक है और फिर वापस मैं यहाँ पे एक आर्क मारूंगा फिर इसको एक परपेंडिकुलर खींचूंगा फिर इसको ये वाले लाइन को यहाँ पे जोड़ दूंगा तो ये मुझे कितना मिलेगा रूट सिक्स। उसी तरह आप क्या है यहाँ पे आगे तक इसको लगे जा सकते हैं, तो ये रूट थ्री ये मेरा रूट फोर ये मेरा रूट फाइव, ठीक है तो यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट था आप इसके हिसाब से इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 है इसमें हमें एक तो रूट थ्री प्लॉट करने बोला है और एक साथ रूट फाइव एंड रूट सेवन, ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप आसानी से कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 1.4 ये खत्म हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.